सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। ये राम सखी पत्नी राजा राम, इनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी और ये 11 तारीख को रात में इनकी हत्या की गई थी, जिनका शव चारपाई भी मिला था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना बिवार को क्षेत्राधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक टीम गठित करी थी और उस टीम द्वारा इस केस का खुलासा किया गया है। इस केस में यह है कि जो अभियुक्त है सभाजीत, ये इसकी अपनी बुआ की हत्या किया था। बुआ 2 बीघा इनको दिया गया था संपत्ति, अपने घर में रहती थी। पीछे भी इनके घर में काफ़ी चोरी वोरी एक आध दो बार किया था, तो इसी के ऊपर शंका थी बुआ की। अब उसी रात इसने दारू पिया हुआ था, दारू पीने के बाद ये बकरा चोरी के कि ताकि बकरा चोरी का आरोप लग जाए और कि बकरा वाले ने चोरी करने की नीयत से इनकी हत्या कर दी है, ये बकरा चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसा, अपनी बुआ की गला रेत कर हत्या कर दी थी। थाना बिवार की पुलिस द्वारा इसका खुलासा किया गया है। इसके घर से खून से सने कपड़े, इसके ही घर से आला कतल, सारी चीज़ें बरामद की गई हैं और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वो बकरा लेके कई जगह बेचने भी गया था, कैसे पता चला पुलिस को बकरा गया? ये जांच के क्रम में यही बात सही, जब चूँकि हम लोग को जानकारी मिली कि इसी शख्स के आसपास हुई घूम रही थी, तो बकरे के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, तो ये बकरा किसी कई मंडियों में लेके बेचने गया था। तो कुछ हम लोगों की जानकारी का स्रोत ये भी रहा, उनके माध्यम से पता चला कि इसे बकरा बेचने गया था, क्योंकि बकरा मौके से गायब भी था और इसने एक माहौल भी बनाया कि बकरा चोरी करने के उद्देश्य से लोग घर में घुसे होंगे, उसी की हत्या किए होंगे, ये सारा चीज़ बदलने की नीयत से कर रहा था। लेकिन ये कि हमारी जाँच में, क्योंकि करीब करीब 4 दर्जन लोगों से 5 दर्जन लोगों से करीब करीब हम लोगों ने पूछताछ करी थी और कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोगों ने इकट्ठा करे थे, उसी क्रम में इनके घर से आला कतल, खून से सने कपड़े और बकरा मंडी में जहां बेचे थे वो सब सारी जानकारियां प्राप्त की गई और उनके गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बकरा लेके बेच दिया था और उसी रात मैंने मर्डर कर दिया था। किसका मर्डर किया था? अपने राम सखी दीवार को। तो बकरे को बेच करके शराब पी नहीं थी? ना, पैसा नहीं दिया था सर। ठीक, सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।